हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, मैं आज लेके आई हूँ शाई स्टाइल का मेकअप लुक। जी हाँ, मैंने शाई स्टाइल का करवा चौथ का मेकअप लुक रिक्रिएट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैंने कोशिश की है कि मैं उनके मेकअप का थोड़ा सा बहुत जस्टिस कर पाऊँ जैसे उन्होंने किया था। तो मैंने कोशिश की आउटफिट रेड कलर की पहनने की, ज्वेलरी ग्रीन कलर की पहनने की, और ऑलमोस्ट पूरा लुक मैंने उसकी तरह उनकी तरह प्रिपेयर करने की कोशिश की है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने कहाँ तक उनके इस लुक के साथ जस्टिस किया है। और सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि शाई स्टाइल्स से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है यूट्यूब पे, और मैंने उनकी पूरी जर्नी देखी है। जब उनका उनके कुछ 2K सब्सक्राइबर थे, तब से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। आज उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है यूट्यूब में। और उनका आई लुक जो हमेशा से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता था, वो जिस तरह का तरीके से आई लुक क्रिएट करती थी, वो कमेंडेबल था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था। मैंने उनका आई लुक देख देख के ही आई लुक क्रिएट करना सीखा है। और वो सच में बहुत हार्ड वर्किंग है, सच में बहुत हार्ड वर्किंग है। और उनका जो भी चुलबुलापन है वो मुझे बहुत पसंद है। वो जिस तरीके से ब्लॉग्स में करती हैं, यूट्यूब पे करती हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भी उन सबको उनको फॉलो करते होंगे। तो प्लीज़ 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 ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने, चलिए देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे अचीव किया। वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए फेशियल ऑयल यूज़ किया है। बाकी मैंने स्किन केयर पूरा कर लिया था पहले ही, और फेशियल ऑयल मेरी क्योंकि ड्राई स्किन है तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये ग्लोई मेकअप किया था। देन मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ किया है। फिर मैं यहाँ सबसे पहले आई मेकअप करूँगी, उसके लिए मैंने डार्लिंग इजाबेला का कंसीलर यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है और बहुत ही अफोर्डेबल है, मतलब आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा जिनको भी कंसीलर यूज़ करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैंने उसी से अपने आईलिड्स को अच्छे से हाइड करने के लिए डार्क सर्कल्स उसको यूज़ किया है, और एज अ आई प्राइमर भी ये यूज़ किया है। देन मैंने इसको एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लिया है, जो कि मेबलिन फिटमी का है लूज पाउडर। और कंसीलर सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे आपको ड्राई पैचेस ना हो जाएं। देन मैंने यहाँ पे 20 समथिंग का आई पैलेट यूज़ किया है। फेस पैलेट बेसिकली इसमें सब कुछ है, तो इसीलिए मैंने 20 समथिंग का ये पैलेट यूज़ किया। तो इसमें मैंने सबसे पहले पिंक कलर लिया है, जो कि मैंने वीडियो में दिखाया, उसको मैं अपनी क्रीज़ के अबव थोड़ा सा लगा रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत मस्त है, जैसे मैं हमेशा आपको वीडियो में बताती हूँ, और बहुत ही अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा इसका पिगमेंटेशन है। तो बहुत ज़्यादा पिक ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करें जो आपको डिज़ायर कलर चाहिए उस हिसाब से। और क्योंकि पिंक ब्राइट कलर होता है, इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा ही पिक करके ब्लेंड करें। देन इसमें ये ब्राउन कलर, थोड़ा सा ऑरेंजिश ब्राउन कलर था, तो इसको मैंने अपने क्रीज पिंक कलर के थोड़ा सा नीचे अप्लाई किया है, थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए आईज़ को, तो जिससे एक अच्छा सा ट्रांजिशन शेड भी मिल जाए और थोड़ा सा आईज़ को डेप्थ मिल जाए। तो मैं बस उसी को अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और उसी सेम कलर को मैं अपने लोअर लैश लाइन तक लेके जाऊंगी, जिससे थोड़ा सा स्मोकी लुक मिले। देन मैंने यहाँ पे ये फोकोलियर का पैलेट यूज़ किया है, ये भी मैंने कप एंड लैशेस से परचेज़ किया है। और इसका जो ये गोल्डन शेड था, इसको मैंने फिंगर की हेल्प से अच्छे से अपनी पूरी आईलिड्स पे लगाया है। गोल्डन शेड नहीं था, बेसिकली थोड़ा सा रोज़ गोल्ड कलर का शेड है ये, जो थोड़ा सा मतलब रेडिश काइंड ऑफ पिंकिश काइंड ऑफ लुक देता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन भी है। तो मैंने उसको फिंगर की हेल्प से पूरी आईलेट पे लगाया था। देन मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी, और मैंने ऑफ कैमरा दोनों आईज़ पे अच्छे से सेम तरीके से आई शेडो लगा लिया है। और यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी, और जो कि आप लोग देख जानते ही हैं मेरा फेवरेट है ब्राउ पैलेट लॉरियल का, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। वो अपने यूजुअल
आईब्रो के शेप को मैंने फिल करते हुए, जो भी गैप थे उसको फिल करते हुए स्पूली की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और मैं ओवर बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, जो भी मेरा ब्राउ शेप है उसी में जाती हूँ। फिर मैं अच्छे से इसको स्पूली की हेल्प से स्प्रेड कर लूँगी जो भी पाउडर है। फिर मैंने यहाँ पे ये इन कलर का आईलाइनर लिया है, ये जेल आईलाइनर है। और मैंने ऑफ़ कैमरा आईलैशेस भी अप्लाई कर लिए थे, तो बस उसके आईलैशेस के बैंड को मैं हाइड करने के लिए ये आईलाइनर लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा, तो मैं बस उसी बैंड को हाइड करने के लिए मैंने आईलाइनर यूज़ किया है। और थोड़ा सा बाहर विंग ले गई हूँ मैं, तो फिर मैं अपने फेस की तरफ बढ़ती हूँ। सबसे पहले मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर यूज़ किया है, ये एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, क्योंकि मैम ने भी उस लुक में ग्लोई मेकअप किया था विंटर्स के हिसाब से, तो मैंने भी यहाँ पर ग्लोई मेकअप किया है। और इससे देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी शाइन आ गई है, ये आपके फेस को एक हाईलाइटर वाला काम करता है। पहले आप लगा लो या फाउंडेशन में मिक्स करके लगा लो। फिर मैंने ये नायका का फाउंडेशन यूज़ किया है, क्योंकि ये एक मतलब डूई फाउंडेशन है, इसमें एक अच्छा सा ग्लो आता है, तो मैंने इसीलिए, और ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है विंटर्स के लिए, तो मैंने इसी फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे और नेक पे अच्छे से लगा लिया है। देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप अगर ब्रश यूज़ करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, जिसमें भी आप कम्फर्टेबल हो, बट मुझे क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है, तो मैंने उसी से अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है अपने पूरे फाउंडेशन को। और आप नेक पे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, आप जो भी फाउंडेशन लगा रहे हैं उसको नेक पे अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना आपका फेस और नेक अलग अलग दिखेगा तो ये बहुत ही बेकार लगता है। देन मैंने सेम कंसीलर लिया है, इसी को मैं अपने अंडर आइज़ पे लगाऊंगी, और जो भी थोड़ा बहुत फॉल आउट हुआ था उसको मैंने पहले ही अच्छे से क्लीन कर लिया है, क्योंकि अगर आप कोई भी आई शेडो पहले लगाते हो तो आप अपने फॉल आउट को जो भी है वो क्लीन कर लो, वरना आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स होकर वो पूरे फेस को आपके बेस को ख़राब कर देगा, तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। फिर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और आपको जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है आप वहाँ वहाँ कंसीलर यूज़ करो। मैंने यहाँ पे अंडर आई पे, नोज़ पे, ब्रिज ऑफ दी नोज़ पे, और थोड़ा सा फोरहेड पे, और थोड़ा सा माउथ के अराउंड यूज़ किया है। और जब आप अगर पहले आई शेडो अप्लाई कर लेते हो, आई मेकअप कर लेते हो, तो थोड़ा सा इस जगह पे आप ध्यान से अपना कंसीलर ब्लेंड करो, जिससे आपका आई मेकअप ना ख़राब हो। फिर मैंने अपने कंसीलर को फिक्स करने के लिए एक लूज़ पाउडर यूज़ किया है मेबलिन का, जिससे मैं अपने पूरे बेस को सेट कर लूँगी, जिससे कंसीलर क्रीज ना हो, और ये भी बहुत ज़रूरी है, वरना जो क्रीजेस पड़ जाते हैं वो इसीलिए, क्योंकि आपको अपना बेस सेट करना बहुत ही मस्ट है। फिर मैंने यहाँ पे इसको मुश्किल से 10-15 सेकंड के लिए छोड़ दिया था, फिर जिससे थोड़ा बहुत अच्छा एक लुक आ जाए, और बेकिंग जिसे कहते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं की थी, और जितनी देर मैंने कॉन्टोरिंग की बस उतनी देर बेकिंग की थी। और यहाँ पे मैंने शुगर का कॉन्टोर पाउडर यूज़ किया है, जिससे मैं अपने ऑलोज ऑफ चिक पे और फोरहेड पे, ब्रिज और जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टोर किया है। मैं नोज़ को भी कॉन्टोर करूँगी। देन मैंने यहाँ पे जो भी एक्सेस पाउडर लगाया था उसको ब्रश आउट कर लिया है, जिससे एक अच्छा सा मतलब फिनिशिंग लुक मिल जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं, और पूरा अच्छे से प्रॉपर बेस मेरा सेट हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे नोज़ को कॉन्टोर किया है सेम कॉन्टोरिंग पाउडर से, और आप पहले एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लें, फिर उसको एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लें, इससे आपके फेस को बहुत ही अच्छा सा लुक मिलता है, और बहुत ही आपका फेस स्ट्रक्चरल लगता है, जो भी आपके फीचर्स हैं वो उभर के आते हैं। देन मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये ब्लश पैलेट यूज़ किया है, और ये इसमें हाइलाइटर भी है, तो अगर आप हाइलाइटर स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, एक अच्छा सा ग्लो आ गया है इस ब्लश को यूज़ करके। देन मैंने यहाँ पे ये सिवाना कलर्स का ब्रिक पैलेट यूज़ किया है, ये मेरा बहुत ही पुराना पैलेट है, बहुत ही अच्छा इसको हाइलाइटर का काम करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एकदम से कितना अच्छा ग्लो मिल जाता है। और इसमें बहुत सारे शेड्स को मिक्स करके मैंने यूज़ किया है,
और बहुत ही मुझे पसंद है ये पैलेट। अब ये अवेलेबल नहीं है कहीं पे, बट बहुत अच्छा पैलेट है। फिर मैंने अपने आई मेकअप की ओर वापस जाते हुए मस्कारा यूज़ किया है, जो कि मैं भूल गई थी। आप पहले मस्कारा लगा लो आई लैशेस लगाने के पहले, जो कि मैं आपको बोलूँगी, बट मैंने बाद में लगाया। और लोअर लैश लाइन पे स्पेशली ध्यान देना है आपको, क्योंकि आई लैशेस लगी हैं तो अपर में तो नहीं, बट लोअर पे तो आपको इवन लुक देने के लिए मस्कारा यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने यहाँ पे एन वाई बे की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है, और ये रेड इन कलर है, वो बहुत ही ब्राइट सा रेड है। ये बहुत पहले मैंने लिया था, बट मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन इस लुक पे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, तो मैंने ये कलर लिया, पिक किया। और ये बहुत ही अफोर्डेबल आती हैं ये लिपस्टिक। देन मैंने देखा मैम के इस लुक में उन्होंने गोल्डन कलर का एक कट क्रीज की तरह आईलाइनर लगाया है, तो मेरे पास कोई गोल्डन आईलाइनर तो नहीं था, बट मेरे पास स्विस ब्यूटी का जो ये वाले आते हैं, इसी का मैंने रोज़ गोल्ड कलर यूज़ किया है और एक कट क्रीज की तरह आईलाइनर ड्रॉ किया। और ये मेरा है फिनिश लुक। मैंने मिडिल पार्टीशन करके खूब अच्छे से सिंदूर लगाया, रेड बिंदी अप्लाई किया है, और ज्वेलरीज में मैंने ग्रीन कलर की ज्वेलरीज पहनी है, जो कि उनसे मैचिंग नहीं है, बट मेरे पास और कोई ज्वेलरी नहीं थी ग्रीन में, तो बस मैंने इसीलिए इसको वियर किया है। और पीछे एक छोटा सा जूड़ा बनाया है जिसमें कुछ हेयर एक्सेसरीज लगाई हैं। तो ये था मेरा फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लुक मेरा अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, एकदम करवा चौथ वाली फीलिंग आ रही थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, रिमूव करने का मन ही नहीं हो रहा था। बट आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय।